Hello all, welcome again Cooking Station Around the Kitchen and hope you all are doing really well. So friends, आज हम बना रहे हैं भिंडी की एक दूसरी सब्जी, मलाई भिंडी जिसे बोलते हैं। बहुत तरीके से भिंडी बनती है, सूखी, बहुत लोग गीली भी बनाते हैं, भरवा भी बनती है। तो एक मैं मलाई भिंडी बना रही हूँ। सो बिना देर के सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमने इसके लिए चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 200 ग्राम के करीब भिंडी ले रखी है। भिंडी जब आप बनाते हो ना, ट्राई करो कि उसको कम से कम 1 घंटे पहले आप धो करके रख दो। से क्या होगा कि वो जब सूख जाएगी प्रॉपर से तो चिपचिपी नहीं होती है, ठीक है, उसका जो लस्सा होता है वो नहीं निकलता है। तो आप इसको धो दें और मैं इसको फिर जो आगे पीछे साइड से, दोनों साइड से चॉप करके और बीच में से इसको स्लिट करना है। मसाला बनाने के लिए हमने 2 अनियंस ली हुई है, 4 टोमेटो, गार्लिक लिया हुआ है मैंने, 3 कलियाँ उसकी, बहुत स्ट्रांग है। अगर आप छोटा गार्लिक नॉर्मल यूज़ कर रहे हो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 मिर्ची लिया हुआ है। तो जो अनियन है उसको चॉप करना है। टोमेटो की मैं प्यूरे बनाऊंगी और बाकी चीज़ों को बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो आप देख रहे हो भिंडी को मैंने इस तरीके से काट करके बीच में से स्लिट कर लिया है। अब हमने इनको सबसे पहले फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने एक लाइक ब्रॉड पैन यूज़ कर रही हूँ। इसमें इतना ऑयल ले लें कि आपकी भिंडी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है पहली बार, इतना लें कि भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाए बस, क्योंकि हम सेम ही ऑयल में सब्जी बनाएंगे आगे की, ठीक है। तो जी, इसको कम से कम 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा भिंडी फ्राई होने में प्रॉपरली। और इसको अच्छे तरह से मिक्स करते रहें और बस जब फ्राई हो जाए तो आप इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लें और एक साइड रख दें। तो ये भिंडी ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। इसका कलर आप देख रहे हो थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड ये सॉफ्ट हो गई थोड़ी सी। अब आप इसको निकाल लें टिश्यू पेपर में एंड कीप इट असाइड। एंड अब हमारा जो ग्रेवी हमको बनाना है करी के लिए, वो हम तैयार करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑयल ज़्यादा है, आप इतना ऑयल नहीं खाते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। बट ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब है, तो इसमें ग्रेवी अच्छे से बन जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी, जिसको अनियन सीड्स कहते हैं, वो यूज़ किया हुआ है और 1 टीस्पून मैंने जीरा डाला हुआ है। मैंने प्याज वगैरह सब ऐसे काट लिया है। जैसे ही ये क्रैकल हो जाए आपका अनियन सीड्स और जीरा, तो उसमें अदरक लहसुन को डाल दें और इसको फ्राई करें तकरीबन 1 मिनट के लिए। जो फ्लेम है वो स्लो ही रखें, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म पर आप पकाएंगे, भिंडी जब पकाया था तो ऑलरेडी पैन बहुत गर्म था, तो उसको ध्यान रखें कि स्लो पर रखें, जिससे कि अदरक लहसुन जले नहीं तो उसका टेस्ट बहुत अजीब आ जाता है, कड़वा कर देता है वो। एंड जैसे ही वो पक जाए उसमें मिर्ची डाल दें और मिर्ची डाल करके उसको अच्छी तरीके से एक बार ही मिक्स कर दें। फिर जो अनियन काट करके रखी हुई है वो डाल दें और हमें इसको सॉटे करना है कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है, कैरमलाइज नहीं करना है इसको, बस इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए इसका जो टेक्स्चर है वो। आप देख रहे हो ये ऑलमोस्ट डन है, कलर इसका चेंज हो गया। इस टाइम में क्या करना है, इसमें जो भी मसाले हैं, बहुत ज़्यादा हमने मसाले यूज़ नहीं करे, नमक मैंने डाला है, सॉल्ट टू टेस्ट है, ठीक है। उसके बाद इसमें हल्दी डाल दें, जी मैं ये धनिया पाउडर जो होता है वो यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 टीस्पून मैंने वो यूज़ किया है, 1 टीस्पून हल्दी डाला हुआ है और पैप्रिका मैं यूज़ कर रही हूँ एंड अबाउट 1 टीस्पून के करीब। आप रेड चिली खाते हो, तीखा खाते हो, तो आप वो भी डाल सकते हो। पैप्रिका कलर अच्छा देती हो, तीखा नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है। तो बस ये डाल दें इसमें और मैं एक लास्ट एक सब्जी मसाला यूज़ कर रही हूँ, विच इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो ना डालेंगे, थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग आता है। और उसको एक मिनट के लिए तकरीबन भून लें। मसाले की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, अदरवाइज जो मलाई है और जो भिंडी हम डालेंगे सबका टेस्ट दब जाएगा। और जैसे ही मसाला भुन जाए 1 मिनट तकरीबन लगेगा, उसके बाद जो टोमेटो है मैंने उसका प्यूरे बना करके रखा हुआ था, वो इसमें डाल दें और मिक्स कर दें अच्छी तरीके से। उसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने दें, जब तक आपको ये ना लगे कि जो तेल है वो सेपरेट हो गया है मसाले से, ठीक है, उस एक्सटेंड तक हम इसको पकाना है। आप देख रहे हो उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, थोड़ा सा जो पैन से स्टिक भी करने लगा है मसाला, ठीक है। इसको तकरीबन वही 6 से 7 मिनट लगते हैं, मीडियम आंच पर ही इसको पकाएं और ये मसाला पक करके रेडी है। अब क्या करेंगे हम, जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से इसको कोट कर दें मसाले में और तकरीबन 1 मिनट तक के लिए इसको पहले पकने दें, जिससे क्या होगा कि भिंडी के अंदर अच्छे से मसाला वो सोक कर लेगा। 1 मिनट होने के बाद ये 1 से 2 मिनट हो गया, 1 से 2 मिनट के बाद आप देख रहे हो ये पक गया है मसाला और नीचे बॉटम में भी स्टिक हो रहा है। अब क्या करेंगे, मैंने
तकरीबन 1/3 कप ऑफ क्रीम ले रखा है, ये फुल क्रीम है ठीक है, वो इसमें डाल दें। और दो मसाले और हैं बाकी जो मैंने यूज़ करने हैं, एक है आपका जीरा पाउडर, दूसरा है गरम मसाला। तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जीरा पाउडर डाल दें और पिंच ऑफ गरम मसाला लास्ट में। मैं वो इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि वो जो अरोमा उसका होता है फ्रेश, वो अलग ही होता है। अगर आप पकाते टाइम में डालोगे तो वो बहुत सब्जी को गरिष्ट कर देता है गरम मसाला ठीक है। तो याद रख ट्राई करें कि आप उसको एंड में ही डालें और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दें, उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें, उससे ज़्यादा नहीं पकाएं, अदरवाइज जो मलाई है ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा वो, तो वो घी छोड़ने लगेगा ठीक है, वो भी टेस्ट बहुत अलग ही हो जाता है, फिर नहीं अच्छा लगता है वो। तो बस ये हो गया 2 से 3 मिनट, इसमें जो धनिया है वो अच्छे से इसमें मिला दें, मिक्स कर दें। अब इसको ढक करके रख दें, अभी तक हमने सब्जी को ढक करके नहीं पकाया है, ओपनली ही पकाना है इसको। बस जैसे सब्जी बन जाए उसके बाद आप इसको ढक दें कम से कम 5 मिनट के लिए बिफोर सर्विंग। और बस 5 मिनट हो गए हैं, सब्जी रेडी है और आप इसको खाइए परांठे के साथ, पूड़ी के साथ, नान के साथ, जैसे भी खाना हो। एंड यस, गिव इट अ ट्राई, डू लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट फॉर यू, एंड इफ़ यू रियली लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव हिट ऑन द लाइक बटन, एंड प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खाते रहो, मस्त रहो, हैप्पी कुकिंग, हैप्पी ईटिंग, बाय बाय।